नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में किच्छा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेताओं के अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को स्वीकार न करने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भगवान श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र कहा था एवं राम सेतु को खारिज कर दिया था। यह शुरू से ही कांग्रेस की मानसिकता रही है। लालकुआ से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से आज मैं देख रहा था अखबार, कांग्रेस ने अयोध्या में जो प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा उसके निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म का अनादर करें या किसी एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे धर्म की उपेक्षा करें। अब कांग्रेस की वो है ना, जब आपको प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मती पहले हर लेगी। मुझे लगता है कि प्रभु की इच्छा भी यही है कि कांग्रेस का बिल्कुल पतन हो जाए, सफाया हो जाए, खत्म हो जाए। इसी दिन की सदबुद्धि ऐसी आई, मुझे लगता है हमको जाना चाहिए था इस मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करके, जो 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद सनातन धर्म के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण आया है कि वह मंदिर जो बाबर के क्रूरतापूर्ण कृत्य के कारण तोड़ दिया गया था, जिसकी बर्बरता के कारण तोड़ दिया गया था, जो मुगल शासन में पराकाष्ठा थी हिंदू धर्म को रौंदने की, आज उसके स्वाभिमान का दिवस था 22 जनवरी। बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस को इसमें आना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया है उससे मुझे लगता है कि इनका सफाया होने वाला है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।